विशेष कार्यक्रम संत परंपराएं भारतवर्ष की पिछली कड़ी में हमने सनातन संस्कृति की आधारा चार शंकराचार्य पीठों में से एक द्वारिका शारदा मठ एवं उसकी शंकराचार्य परंपरा के दर्शन किए। इस प्रकार पड़ाव दर पड़ाव हमारी यात्रा प्रत्येक कड़ी में एक नवीन संत परंपरा के साथ आगे बढ़ती ही जा रही है और आज इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं पोरबंदर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर का अपना ऐतिहासिक महत्व है और आज एक संत के सानिध्य में आध्यात्म के क्षेत्र में भी गुजरात प्रांत के इस नगर की छवि प्रतिष्ठापित हो रही है। संसार में आस्था और श्रद्धा के प्रसार के लिए समर्पित एवं भारतवर्ष की संत परंपरा में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले इस विलक्षण व्यक्तित्व को हम जानते हैं भाई श्री के नाम से। जी हाँ, आज के अपने पड़ाव में हम दर्शन करेंगे श्री रमेश भाई ओझा की जीवन यात्रा और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के। तो आइए आप और हम मिलकर चलते हैं सांदीपनी की ओर, जहां भाई श्री के पावन सानिध्य में सेवा भक्ति और ज्ञान की अविरल गंगा प्रवाहित है। सांदीपनी विद्या निकेतन पहुंचे तो इस धाम के प्रथम दर्शनों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे सम्मुख विशाल श्रीहरि मंदिर था, जिसकी सुंदरता को शब्दों में वर्णित कर पाना एक दुष्कर कार्य है। आध्यात्म एवं संस्कृति की संगम इस मंदिर में भक्ति की अद्भुत भावधारा प्रवाहमान है। मंदिर के बाहरी परिदृश्य के दर्शनों के बाद हम बढ़ चले थे मंदिर के भीतरी कक्ष की ओर। हमने जब गर्भगृह में प्रवेश किया तो यहाँ का दृश्य कुछ यूं था। एक संत विधिवत तरीके से ईश्वर की सेवा में मग्न थे। हमको ये पहचानते जरा भी देर नहीं लगी कि ये भाई श्री ही है जिनके दर्शनों की आकांक्षा हमें यहाँ तक खींच लाई थी। अतः हम भी ईश आराधना के इस क्रम में उनके साथ शामिल हो गए।
पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद क्रम शुरू होता है श्रद्धालुओं से मिलने का। भाई श्री अपने भक्तों से भागवत चर्चा तो करते हैं, साथ ही उनका उचित मार्गदर्शन भी करते हैं। अपने शिष्य गणों के साथ भाई श्री की भेंट का ये क्रम जब तक चले तब तक आइए आपको लिए चलते हैं श्री रमेश भाई ओझा के जीवन से जुड़े विभिन्न पड़ावों की ओर। 31 अगस्त 1957 को गुजरात के अमरेली जिले के देवका गांव में भाई श्री का जन्म हुआ। आपके जीवन पर आपकी दादी जी का विशेष प्रभाव पड़ा। बचपन से ही आपका झुकाव अध्यात्म की ओर था। भाई श्री से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से मात्र 13 वर्ष की आयु में हुई एक घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। जब दादी माँ का देहावसान हुआ तो गांव में जब हम छुट्टियों में गए तो हम सब बच्चों ने मिलकर के ये निर्णय किया कि 7 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ करेंगे। शुरू शुरू में तो बच्चों का ये खेल है ऐसा समझ करके बड़ों ने उपेक्षा की, अवश्य सहयोग किया उन्होंने। 2 प्रवचन सत्रों में कथा होती थी। शुरू शुरू में तो बच्चे ही बैठते थे, बाद में बड़े श्रोता भी आने लगे, उनको आनंद आने लगा। 2-2 घंटे के 2 सत्र थे और रोज 3 अध्याय हम लेते थे और उस हिसाब से 7 दिन का भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जब मैं 13 वर्ष का था तब संपन्न हुआ। इस बीच भाई श्री ने संस्कृत व वेदों का अध्ययन भी किया। इसके बाद वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई आ गए। प्रारंभ में डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले भाई श्री ने वाणिज्य विषय से स्नातक तक की पढ़ाई पूर्ण की, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही स्वीकार था और वे एक सच्चे साधक के रूप में भाई श्री को स्वीकार कर चुके थे। SSC पास करने के उपरांत विज्ञान प्रवाह में जाने की इच्छा थी, डॉक्टर बनने की मनीषा थी, लेकिन कुछ कारणों से वाणिज्य प्रवाह में जाना पड़ा और उसी समय इस तरह का झुकाव बढ़ता गया धर्म और अध्यात्म के प्रति। जब कॉमर्स में पढ़ाई हो रही थी तब इंटर कॉमर्स में जब मैं था उसी वक्त सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत कथा व्यक्तिगत रूप से वक्ता के रूप में संपन्न हुई और ग्रेजुएशन के बाद ठाकुर जी ने पूरा अपनी सेवा में खींच लिया और आज इतने वर्षों से यह यात्रा चल रही है। इनकी कृपा से यदि वो चाहे तो मिल जाते हैं, इनकी मर्जी है। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थक परमेश्वर। बालकृष्ण को वहां पधराया, योग माया यशोदा पुत्री बनकर के आई थी उसको टोपले में पधराया। वसुदेव जी जिस तरह से गए थे वापस लौट आए, मथुरा में कंस को समाचार मिलता है देवकी को 8वें गर्भ का प्रसव हुआ है। वह दौड़कर आया है कारागार में, देखा सुना कि 8वें गर्भ के रूप में पुत्री प्रकट से लेकर आज तक श्री रमेश भाई ओझा ने अपने ज्ञान के माध्यम से न सिर्फ देश बल्कि सुदूर विदेश तक के जनमानस का मार्गदर्शन किया है। आज उनके सानिध्य में विश्व के करोड़ों लोगों को भगवत शरणागति प्राप्त हो रही है। मृत्यु है छिन लिया दे मारा पत्थर की दीवार में, लेकिन उड़ गई आकाश में, अंतर ध्यान हो गई, देखता रहा कंस कहां गई कहां गई। तब अचानक अष्टभुजा के रूप में उस परम्बा ने उस योग माया ने दर्शन दिया, अट्टहास्य करती हुई बोली, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरी मौत सुरक्षित स्थान में पहुंच गई है।
श्रद्धालुओं से भेंट एवं ईश आराधना के बाद अब भाई श्री मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं। और संध्या काल तक के लिए मंदिर के पट भी बंद हो चुके हैं, तो क्यों ना इस समय का सदुपयोग सांदीपनी विद्या निकेतन द्वारा संचालित प्रकल्पों के अवलोकन के साथ किया जाए। लेकिन इससे पहले चलते हैं हरि मंदिर में ही स्थित साइंस गैलरी की ओर। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इस प्रदर्शनी में प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान के संगम को दर्शाया गया है। एक मंदिर में साइंस गैलरी का होना आश्चर्यचकित भी करता है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण भाई श्री ने स्वयं हमें बताया। साइंस गैलरी है जिसका उद्घाटन डॉक्टर कलाम साहब ने किया था। उन्होंने पूछा भी था कि यह कैसा कॉम्बिनेशन है कि नीचे साइंस गैलरी है और ऊपर मंदिर है। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि हम एक ऐसे धर्म की ओर बढ़ रहे हैं जिसके मूल में विज्ञान हो। मैं समझता हूं विज्ञान का भी एक धर्म होता है और धर्म का भी अपना एक विज्ञान होता है। विज्ञान और अध्यात्म के इस अद्भुत सम्मिश्रण के बाद रुख करते हैं सांदीपनी विद्या निकेतन के अंतर्गत संचालित सबसे प्रमुख प्रकल्प श्री बावडेश्वर संस्कृत महाविद्यालय का। ये महाविद्यालय भाई श्री के दिव्य स्वप्न का साकार स्वरूप है और ऋषिकुल पद्धति पर आधारित है। इस महाविद्यालय में छात्रों को आचार्य तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। श्री बावडेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के साथ ही यहाँ सांदीपनी गुरुकुल के रूप में एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी संचालित है, जिसमें लगभग 700 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये विद्यालय गुरुकुल पद्धति पर आधारित है, जहाँ विद्यार्थी सेवा भावना को अपना परम लक्ष्य मानकर आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास का प्रकल्प है सांदीपनी विद्या निकेतन, जहां छात्र शिक्षार्थ आते हैं और सेवार्थ प्रस्थान करते हैं। हमारी एक और द्वारकाधीश जी है और दूसरी तरफ भगवान सोमनाथ है। उनके बीच में यहां पोरबंदर में हम सुदामापुरी में सुदामा भैया के और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ही गुरु महर्षि सांदीपनी, उन्हीं के नाम से यह संस्था बनाई गई है। तो सांदीपनी विद्या निकेतन के नाम से ये जाना जाता है। उस वक्त भी हमारा भाव ये था कि ऋषिकुल का विद्यार्थी सुदामा भैया जैसा बने, विद्वान हो, तपस्वी हो, संतुष्ट हो, सदाचारी हो, अयाचक हो, ऐसा ब्राह्मण बने, ऐसा ऋषि बने
कि स्वयं द्वारकानाथ श्री कृष्ण उसका स्वागत करे, उसको अपने आसन पर बिठाए और वो चरण में बैठे। और गुरुकुल का विद्यार्थी बड़ा प्रज्ञावान तेजस्वी भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा हो, जो ग्रेट पॉलिटिशियन भी है, एक श्रेष्ठ फिलोसोफर भी हैं, एक अद्भुत कलाकार भी हैं और महामानव है। विद्या निकेतन के साथ ही परिसर में एक गौशाला भी है जिसमें गौ माता की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। ऋषिकुल और गुरुकुल के छात्र इन्हीं गौ माता का दूध पीते हैं। विभिन्न सेवा प्रकल्पों के दर्शनों के साथ समय कुछ यूं बीत गया कि हमें पता तक नहीं चला, पर अब सूर्यदेव अस्त होने को थे। दूसरी ओर सांदीपनी विद्या निकेतन के छात्र चल पड़े थे हरि मंदिर की ओर, जहां भगवान की शयन आरती का समय हो चुका है। छात्रों के साथ साथ श्रद्धालु भी यहां उपस्थित हैं। और भाई श्री के आगमन के साथ शुरू होती है शयन आरती। आइए हम भी इस आरती में सम्मिलित हो पुण्य के भागी बने। संपन्न हो चुकी है और अब अंत में भाई श्री से आशीर्वाद रूपी प्रसाद ग्रहण कर बढ़ चलते हैं अपने अगले पड़ाव एक नई संत परंपरा की ओर। तब तक आप बने रहिए आस्था के साथ। आस्था जीवन का आधार।